और सभी जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां दो कैदी सब जेल से भाग गए। दुष्कर्म और अवैध शराब के मामले में ये जेल में बंद थे। कुछ ही दूर पर पुलिसकर्मियों ने कैदियों को पकड़ा है। कैदियों और जेलकर्मियों के बीच जमकर छीना झपटी हुई है। छीना झपटी के दौरान जेलर हेमेंद्र बागरी को चोटें आई है। जेल के अंदर चल रहे काम के दौरान ये दोनों कैदी यहाँ से भाग निकले थे। पाटन सब जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, दुष्कर्म और अवैध शराब के मामले में ये दोनों ही कैदी जेल में बंद थे और बताया ये जा रहा है कि जेल में कुछ काम चल रहा था, जिस दौरान ये यहाँ से भाग निकले। तो जेल कर्मियों के बीच जमकर छीना झपटी भी यहाँ पर हुई है। छीना झपटी के दौरान जेलर हेमेंद्र बागरी को चोटें भी आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्म गौतम हमारे साथ जुड़ के। धर्म, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये समझाइए कि दो कैदी यहाँ से कैसे भाग निकले। जी बिल्कुल, देखिए भागने की यदि बात करें तो जेल में जो है रिनोवेशन का काम चल रहा था, कुछ छुटपुट काम दीवालों में और जेल की बिल्डिंग में चल रहा था। उस दौरान जो है काफी जगह पर सीढ़ियां और रस्सी लगी हुई थी दीवाल पे चढ़ने उतरने के लिए, और उसी का फायदा उठाते हुए दोनों जो कैदी हैं, शहादत खान जो कि बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था और कृष्णा यादव जो कि अवैध शराब के मामले में जेल में बंद था, ये दोनों ही इन्होंने बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देते हुए रस्सी और सीढ़ियों का सहारा लेकर जेल की दीवार फांद कर ये भागे हैं। हालांकि समय रहते पुलिस जेल के कर्मी है, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद, तो उन्होंने देख लिया और करीब 1 किलोमीटर तक दूर तक इनका पीछा किया है। और इन्हें पकड़ने के दौरान काफी छीना झपटी जेल कर्मी और जेलर और कैदियों के बीच में हुई है, जिसमें जेलर को कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि फिलहाल दोनों कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर से जेल में बंद कर लिया। और पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जांच के आदेश दिए कि जेल प्रबंधन इसकी जांच करेगा, और यदि मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी जेलकर्मी जो उस दौरान ड्यूटी में तैनात थे उनकी गलती पाई जाती है तो उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। धर्म, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी चालाकी से दो कैदी यहाँ से भाग निकले, लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, अब क्या एक्शन इस पर लिया जाता है, इसे लेकर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।